मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन है एंड लेट y इज इक्वल टू आपको 2x1² माइनस x2² प्लस x3² दिया हुआ है, देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, ये जो दिया है ना आपको y इज इक्वल टू 2x1² माइनस x2² प्लस x3², इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा एंड दिस आर द ऑप्शन। अब जिस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x एक मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विथ मीन वेक्टर म्यू एंड कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा, x को हम एज अ वेक्टर बोल के लिख सकते हैं। इसके आगे में आपको दो प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर स्टिल मल्टीवेरिएट नॉर्मल एंड प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड है, एंड सेकंड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स फॉलोज अ काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन विद द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स स्क्वेयर। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट एंड प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो क्वेश्चन बेस्ड है मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, और मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर स्टिल मल्टीवेरिएट नॉर्मल, लेकिन ऑप्शन ए बी सी क्या कहता है कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई फॉलोज करेगा काई स्क्वायर को, लेकिन काई स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या कहती है, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स फॉलोज करेगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को, लेकिन यहाँ पे करता है क्या, नहीं। हेंस ऑप्शन नंबर ए बी सी ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट क्या कहती है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर स्टिल मल्टीवेरिएट नॉर्मल, हेंस जो ऑप्शन नंबर डी है ना कि ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को तो फॉलो नहीं करेगा, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।